माधव जी की अकस्मात मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चंद्रगिरी के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें आज बंद रखी हैं। क्योंकि कत्ल आधी रात को हुआ था, इसलिए सुबह तक लाश वैसे ही पड़ी रही। पिछली रात हुए इस हादसे की पुलिस पूरी तत्परता से तहकीकात कर रही है और जल्द ही अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। ये बहुत दुख की बात है बेटा, इनकी मौत पर हम सबको अफसोस है। बहुत नुकसान हुआ हम सबका। मुझे और मेरी सरकार को इस मौत पर काफी अफसोस है। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। फादर की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं आ पाए। ईश्वर आपके मन को शांति प्रदान करे। पुजारी हूं, कुछ देना था। यह चाबी लौटानी थी।
वहां छूट गई थी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसी दुखद घटना हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। उस दिन वो मेरे यहाँ आए थे और जाते वक्त ये चाबी भूलकर चले गए, तो मैंने सोचा तुम्हें लौटा दूं। समय खराब है, संभाल कर रहो। तो अब मैं चलता हूं। सच क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सब जिस पर विश्वास करते थे, जिस पुजारी पर मेरे पिताजी विश्वास करते थे, वो आज टूट गया। विद्वान पंडित कृष्ण शर्मा की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं। शायद पैसों की वजह से सच उनके सीने में दफन हो गया है। आज मैं चुप रहा तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। तुम्हें सच बताना होगा। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कुछ न बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उस दिन जब तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ आए थे तो अपनी चाबी भूल गए। मैं उन्हें चाबी लौटाने गया। कौन है? चलो, कौन है वहाँ? चलो, कौन है? चलो जल्दी। माधव, माधव, पंडित जी, अभी जो यहाँ हुआ मेरे बेटे से मत कहिएगा। माधव अपनी जिंदगी जी चुका है, अब इसे सिर्फ अपने बेटे अज्जू की चिंता है। उसका ख्याल रखिएगा। पुरखों की दुश्मनी मेरी मौत के साथ खत्म होनी चाहिए। हाँ, उसे समझाइएगा। हाँ, समझाएंगे ना उसे। माधव, माधव, तुम्हारे पिताजी ने मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ा था। उन्हें अपनी मौत का कोई दुख नहीं था। उन्हें एक ही चिंता सता रही थी, सिर्फ तुम्हारी। उनके लिए जिंदगी और भविष्य सिर्फ तुम ही हो। ऐसा कुछ ना करना जिससे तुम्हारे पिताजी की आत्मा को कोई तकलीफ पहुंचे। हमारी भी बस यही इच्छा है कि तुम अपने पिताजी की इच्छा का मान रखो। मेरी बातों का तुम गलत मतलब मत निकालना। ये मैं उनकी ही बातें कह रहा हूं। ये तुम्हारे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। बेटा, समय बहुत बुरा चल रहा है। प्रार्थना करो, तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिले, ये मन से प्रार्थना करो। चला गया वो लक्ष्मीपुर और अन्नपूर्णा वालों ने सब पे कब्जा कर लिया। बेटा, मैं बर्बाद हो गया। बेटा, अब यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। जब तक माधव भैया थे हमें कोई परेशान नहीं करता था, अब हमें कौन देखेगा? अजय बाबू, हमारे पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। घबराइए मत, आप लोगों की मदद करने के लिए मैं हूँ। आज पिताजी नहीं है लेकिन मैं हूं। मैं खड़ा हूं आपके साथ। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तुम लोग फिर से वापस आ गए? किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो टांग तोड़ दूंगा। ए सुन, तू अंदर मत घुस। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सोच ले, वापस नहीं जा पाएगा। जमाल,
क्या कर रहे हो? रुक जाओ वरना मार खाओगे सब। कोई जिंदा नहीं बचेगा। अपने आप को तोप समझते हो? तुम भूल गए कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम सबकी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथों में पकड़ा दूंगा। गरीबों का हक मारते हो ना, तो मैं इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकानी होगी, सजा मैं दूंगा। जानते हो ये कौन है? ये मेरे पिताजी के लोग हैं और इनके लिए मैं लड़ूंगा। अगर इनकी जमीन की ओर किसी ने आंख भी उठाकर देखा तो उसे काट कर वही दफना दूंगा। कादर काका, ये फसल काटने वाला कोई मामूली हसिया नहीं है। इसका इस्तेमाल अन्याय करने वालों के खिलाफ करो और इतना ध्यान रखो कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। चलो। ए, तुम अभी जीते नहीं हो। तुम्हारे बाप का जो हाल किया वही हाल तुम्हारा भी करेंगे। मार देंगे, तुझे भी मार डालेंगे। अज्जू, बिल्कुल नहीं। पुजारी जी की बात याद है ना? अब चलते हैं। अज्जू भैया की जय। ये सब जगदीश के साथी एमएलए हैं। इसमें 3 करोड़ रुपए हैं, सब आप ही लोगों के पैसे हैं। कल स्पीकर के पास जाना है और इस्तीफा देना। ठीक। इन पैसों के लिए तो मैं कहीं भी इस्तीफा दे दूंगा। मुख्य समाचार। समय आ गया है कि विधानसभा में स्पीकर के समक्ष मुख्यमंत्री अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। विधायकों का विश्वास मत प्राप्त करने के लिए इस समय हर तरह के जोड़ तोड़ की संभावना है। सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुकुंद, क्या है? सब कुछ खत्म हो गया भाई। मंत्री का पद भी गया और एमएलए की सीट भी चली गई। सब इनकी वजह से हुआ है। कहा था मुझे मुख्यमंत्री बनवाएगा, मेरा इस्तेमाल करके मुझे उखाड़ कर फेंक दिया। गलती मेरी ही है। माधव भैया जिंदा होते तो कम से कम मेरी कुर्सी तो नहीं जाती। उस मरे हुए माधव की बात कर रहे हो? मेरी बात सुन। अब तेरे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं, ना तेरी पदवी रही ना सरकार। अब तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाप को तो पहले ही मार चुके हैं, बेटा भी जल्दी ऊपर चला जाएगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो माधव का बेटा जो अज्जू है ना, उसको तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले एसपी को रास्ते से हटाया, फिर मुझे। तुम कुछ भी कर लो, पर माधव का वो बेटा तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। क्या होगा? मारेगा? हाँ? उसके पहले मैं तुझे मार डालूंगा। जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है भाई। अब तू यहाँ पर क्यों आया है? तुम सबको एक बात बताने आया हूँ। ये लड़का जो बचपन में ही अनाथ हो गया था, उसे पाल पोस के नया जीवन दिया, वो थे मेरे माधव भैया। और आज तुम्हारे सामने ये जमाल प्रण लेता है। किसी भी हालत में तुम सबको चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम लोगों के करतूतों का हिसाब चुकाने आ रहा है चंद्रगिरी का हमारा इकलौता युवराज अज्जू। कितना भी पैसा कमा लो, आखिर में यही छोड़कर जाना होता है। आज देख लिया ना तुमने, इन्हीं पैसों ने तुम्हें तुम्हारी कुर्सी से नीचे उतार दिया। आज तुमने देख लिया ना कि तुम पैसों के बल पर किसी की आजादी नहीं खरीद सकते, और उन लोगों की तो बिल्कुल नहीं जो लोग सिर्फ राष्ट्र के लिए जीते हैं। नहीं समझे ना, अभी समझाता हूँ। ये देख रहे हो ना, ये आदमी नहीं आदर्श है। पैसों से खरीदा जाने वाला तुम जैसा बिकाऊ नहीं है। सब लोग मेरी हिट लिस्ट में है। जिसने भी मेरे पापा को धोखे से मारा है, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। खून करने वालों की सजा सिर्फ मौत है, कोई भी हो, और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा। भूलना मत, बदला मैं लेकर रहूंगा। हाय, इतनी बकवास करके जा रहा है, अब हमारी भी सुन ले। माधव को मारने के लिए कोई यहाँ बाहर का आदमी नहीं आया था, उसे मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर मारा। हम अन्नपूर्णा हैं, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। बिल्कुल सही, तुम्हारे बाप को हम नहीं मारा, सबने मिलकर मारा है। हमारा जो करना है कर लो।
सच तो यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे इसकी कुर्सी छीन कर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है क्यों? तुम्हारा यह अहंकार और जिन पैसों के बल पर तुम कूद रहे हो उनकी कसम खाकर कहता हूं, सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम सब लोगों की वो हालत कर दूंगा कि तुम्हारे पास बेल्लारी जाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। चंद्रगिरी के अज्जू का ये वादा है, तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगा।